अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेड एम व्लॉग्स। दिस इज माई न्यू बाइक होंडा सी बी आर 1000 RRR 5 blade SP। टू मच लॉन्ग नेम, बट अपना जिसका इतना लंबा नाम है वो बाइक उतनी ही ज़्यादा अमेजिंग है। H2 सेल हो गया और उसके बाद मैंने ये बाइक लिया है, और स्पेशल थैंक्स टू हसन भाई जिन्होंने मेरी बात मान के ये बाइक मुझे दे दिया, सेल आउट कर दिया। गाइज़, ये इतना यूनिक बाइक है कि ये दो ही हैं पाकिस्तान में, एक कराची में है और एक ये हसन भाई के पास था। ये वो बाइक है जो जब मेरा 21 टेनर जो है वो डॉक्टर जिशान ने बेसिकली फ़र्स्ट टाइम ऑन किया था उसको, और जब वो इम्पोर्ट हुआ था तो ये बाइक भी उसके साथ ही इम्पोर्ट हुआ था। ये आलमगीर ने इम्पोर्ट करवाया था और फर्स्ट ओनर वो थे इसके, और 21 टेनर जो है वो डॉक्टर जिशान उसके फ़र्स्ट ओनर बने थे। और पिछले 2 सालों में मैंने दोनों बाइक ऑन कर लिए हैं। 21 टेनर मैंने 21 में ही ख़रीद लिया था जब डॉक्टर जिशान ने सेल आउट किया था, टोर पे आया था वो। और ये बाइक आलमगीर भाई ने मेरे ख्याल पिछले साल सेल आउट किया था, और हसन भाई जो मेरे काफ़ी पुराने जानने वाले हैं उन्होंने परचेस किया था। तो जब मैंने H2 सेल करने का ज़हन बनाया तो मैंने हसन भाई को कहा, हसन भाई यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बाइक मुझे दे दे। तो हसन भाई ने कहा वैसे मैंने सेल आउट नहीं करना, लेकिन अगर आपने लेना है तो मैं आपको सेल कर दूंगा। तो हसन भाई लव यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बात मान के बाइक मुझे दे दी है। और अमेजिंग बाइक गाइज, अमेजिंग बाइक। इस बाइक के बारे में मैं आपसे बहुत सारी डिस्कशन करूँगा, बहुत सारे व्लॉग बनेंगे, ये बाइक मैंने क्यों लिया, H2 क्यों बेच दिया, सब बातें करेंगे, और इस बाइक के अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं। और इवन के मेरे पास 21 टेनआर की ऑप्शन दोबारा भी आई थी, एक 21 टेनआर और था लाहौर में, मेरे वाला तो सेल आउट होके चला गया इस्लामाबाद, लेकिन एक और बाइक है लाहौर में वो भी सेल आउट हो रहा था, तो वो भी मैं परचेस करने की उसके बारे में भी सोच रहा था, लेकिन ये मेरे जहन में भी नहीं था, मेरे ख्याल में भी नहीं था, क्योंकि हसन भाई सेल आउट नहीं कर रहे थे। तो मैं 21 टेनआर ही दोबारा लेने की सोच रहा था, पर बस अल्लाह की तरफ से अचानक जो है वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए कि मैंने जो है फिर ये बाइक ले लिया। अचानक ही मैंने बस हसन भाई को ऐसे ही फ़ोन कर दिया मुँह उठा के कि हसन भाई यार मेरे पास बाइक नहीं है और मुझे नया बाइक चाहिए, ब्रांड न्यू। जिस तरह के मैंने जब 21 टेनआर ऑन किया था तो वो सिर्फ 240 चला हुआ था, 240 किलोमीटर्स अप्लाइड फॉर, ब्रांड न्यू कंडीशन का बाइक था, क्योंकि 0 मीटर इम्पोर्ट हुए थे पाकिस्तान में ये भी और वो भी। तो मुझे अब वो जो एक चस चर्गी हुई थी नई चीज़ इस्तेमाल करने की, वो मुझे बस एक कहीं ना खाए जा रही थी कि मुझे नई चीज़ चाहिए। तो ये बाइक भी जो है अभी ब्रांड न्यू ही है, बेशक 21 में इंपोर्ट हुई थी, लेकिन सिर्फ 780 किलोमीटर ये चली हुई थी जब मैंने हसन भाई से ली है, ओनली 780 किलोमीटर्स ये चली है, और इसके बाद मैंने ये परचेस कर लिया है, और ऑलमोस्ट अप्लाइड फॉर ही है, सिर्फ वॉश ही होती रही है मेरा ख्याल है, उनके गैराज में खड़ी हुई, इतना ज़्यादा चली नहीं है। हसन भाई ने भी जब ली थी मेरा ख्याल है तब 200-300 किलोमीटर चली हुई थी, 400-500 किलोमीटर उन्होंने चलाया। आज जो है मैं सिर्फ इसका एक वॉक अराउंड ही आपको दिखा रहा हूँ इस बाइक का, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इस बाइक के बारे में बहुत सारी वीडियोस भी आएंगी, और आपको ये बाइक जो है भागता भी नज़र आएगा, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है कि इसको एक यूनिक लुक देनी है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर भी की हुई हैं, जैसे जैसे आएँगी इस पर लगाएँगे और आपको दिखाएँगे भी, और इसको एक मास्टरपीस बना देंगे, बहुत खूबसूरत बना देंगे, ऑलरेडी ये बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 21 टेनआर अभी भी मेरे दिल में ख़ास जगह रखता है, क्योंकि वो जनरेशन मुझे वाकई बहुत पसंद आई थी, लेकिन खूबसूरती में ये उससे आ गया है। मैं परफॉर्मेंस वाइज, इंजन वाइज तो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल स्टॉक है, इसकी कैट भी लगी हुई है, इसका स्टॉक मफलर है, बेशक टाइटेनियम का है लेकिन स्टॉक मफलर है, तो अभी तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड भी है। इसकी डिवाइस मैंने मंगवाई है वुलिच की, जब वो मेरे पास आ जाएगी तो इसको ट्यून भी करेंगे, आपको इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग की वीडियोस भी बना के दिखाएंगे, और ये बाइक क्या कैपेबिलिटी रखता है वो भी दिखाएंगे। तो ये ओवरऑल आज की वीडियो थी, और ये इसका वॉक अराउंड था, ये ओवरऑल मैंने आपको बाइक दिखाना था आज अपना। इसकी सस्पेंशन जो है इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा मैं, उसमें दिखाऊँगा। वैसे गोल्ड कलर की आपको नज़र आ रही है, बड़ी स्पेशल सी सस्पेंशन है इसकी, ओलिंस की है, टेनआर जो है उसमें शोवा की आती है, ओलिंस जो है ये उससे आप समझ लें एक्सपेंसिव सस्पेंशन है ऊपर है, और पूरी फुली इलेक्ट्रिक सस्पेंशन है इसकी। इलेक्ट्रिक सस्पेंशन का मतलब है कि हम इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से ही एडजस्ट कर सकते हैं, और ना सिर्फ फ्रंट बल्कि इसकी जो रियर सस्पेंशन है वो भी ओलिंस की है, और वो भी फुली इलेक्ट्रिक है। इसके अलावा इसके अंदर इतने इलेक्ट्रिक फ़ीचर इसके जो हैं वो अपडेटेड हैं,
इलेक्ट्रॉनिक वाइज ये बहुत आगे है बाकी अपनी क्लास की 1000 cc बाइक से, और हो क्यों ना, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है, आप यूँ समझ लें कि होंडा की तरफ से। होंडा पहले जो बाइक बनाता था 1000 cc कैटेगरी में, वो सिर्फ CBR 1000RR बनाता था। फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 2020 2020 में उन्होंने अपने आप को एक पुश किया अपने आप को, और जो लिमिट्स हैं उसको उन्होंने ब्रेक किया और उन्होंने ये मशीन बना दी, फायरब्लेड CBR 1000RR। और ये जो आपके सामने खड़ा है ये SV एडिशन है। तो इसके अंदर उन्होंने बेशुमार किस्म की इंजन के इंटरनल्स बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं, इसकी ओवरऑल उन्होंने आउटर लुक भी सारी की सारी चेंज है। इस तरह की आप इस तरह की जो फेयरिंग है और ये डिज़ाइन है ये डबल आर में नहीं आता। अगर आप इस किस्म की फेयरिंग देख रहे हैं इसका मतलब ये ट्रिपल आर ही है, ठीक है। अगर आप ओलिंस की इलेक्ट्रिक सस्पेंशन देख रहे हैं इसका मतलब ये ट्रिपल आर है। अगर आप इसकी कीलेस एंट्री देख रहे हैं, पुश स्टार्ट बटन है इसका, कीलेस एंट्री है इसमें, बस आपको जो रिमोट है वो पॉकेट में रखना होता है और बाइक के अंदर आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं जस्ट अ पुश ऑफ बटन। तो ये भी सिर्फ ट्रिपल आर के अंदर ही है, लिमिटेड चीज़ है। इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी बाइक में हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल अलहदा से व्लॉग करेंगे। जो चीज़ें मुझे प्री इंस्टॉल्ड मिली हैं हसन भाई के लिए, हसन भाई का शुक्रिया उसके लिए, इन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी का स्मोक, ज़ीरो ग्रेविटी का जो है इसका वाइज़र चेंज किया हुआ है, जो इसकी लुक में चार चांद लगा रहा है। ये ज़ीरो ग्रेविटी का जो स्मोक वाइज़र है किसी भी बाइक में आप लगा लें तो वो बाइक जो है उसकी बड़ी लुक इन्हांस कर जाती है। इसके अलावा सद भाई ने टेल टैरी लगाई हुई है, ये टेल टैरी इसकी लगी हुई है और स्टॉक इंडिकेटर ही हैं। इसके बारे में भी मैंने कुछ सोचा है, ये थोड़ी सी मुझे लंबी लग रही है पीछे से, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत करेंगे। एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मुझे नज़र में आई है मेरी इसके लिए, तो वो इंशाल्लाह ताला मंगवाएंगे फ्यूचर में। तो मैंने इसको अपनी किसी भी वीडियो में या पिक्चर्स में शो नहीं किया, मैं इसको सीधा राइड पे ले गया और वहाँ पे जब सारे राइडर्स आए और उनका जो एक्सप्रेशन था वो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जब इसको देखा कि मैंने ये बाइक लिया तो उन सबका क्या रिएक्शन था। दोस्त आ गए हैं तो देखते हैं अब उनका रिएक्शन चेक करते हैं कि CBR को देख के क्या रिएक्शन देते हैं। माई फर्स्ट एवर राइड ऑन CBR वाज अमेजिंग यार, ये बाइक की इलेक्ट्रॉनिक्स क्या मज़ा कराते हैं। इलेक्ट्रिक सस्पेंशन का मैंने फुल मज़ा उठाया आज, फुल मज़ा उठाया। जी अल्लाह का शुक्र। ये बैठ कर रही है कैसा दिया फिर सब्जी दिखा के कभी मारना है क्या हाल है भाई कैमरा चला हाँ कैसी फिर सब्जी खा के कभी मारी है भाई सर क्या सरप्राइज दिया माशा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मतलब कैसी लग रही है हाँ कैसी लग रही इसके लिए बना दिया यार आपने ये तो इसने अभी उठाया हाँ ये दे रही है आपको हैट्स ऑफ टू अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र करो। तो गाइज ये था सरप्राइज आज का और माशाल्लाह बाइक की लुक्स ही बहुत अमेजिंग है। हाँ हाँ खेच बहुत शुक्रिया भाई जान क्या हाल चाल है आपके कसम खुदा के मुझे H2 से ज्यादा इसकी खुशी हुई है बहुत शुक्रिया बहुत डिफरेंट आपने अप्रोच किया हां और ट्रिपल आर मेरे ख्याल है भी एक ही दो हैं एक रांची एक ही है वो डॉक्टर जी शान ने
गाड़ी कहाँ से उठाई है? ये जो आलमगीर वाली है वो है। क्या कह रहे हैं? स्वैप कर लो मुझसे ना। अभी तो आज पहला दिन चला रहा हूँ। तो इसीलिए आज ही दे दो। ये थी फर्स्ट लुक ऑफ माय CBR 1000 RR-R। बहुत सारे आ रहे हैं इस बाइक में और देखेंगे ये बाइक ट्रैक पे अपने आर्स को जस्टिफाई कर पाता है कि नहीं। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।